జార్ఖండ్ లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ తారుమారయ్యాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి గట్టి షాక్ తగిలింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు విరుద్ధంగా సీఎం హేమంత్ సోరెన్ నేతృత్వంలోని జేఎంఎం స్పష్టమైన ఆధిక్యం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. మొత్తం 81 స్థానాలు ఉన్న జార్ఖండ్ లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు 41 సీట్లు కావాలి. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల ప్రకారం ఇండియా కూటమి మ్యాజిక్ మార్క్ క్రాస్ చేసింది. బర్మైత్ లో సీఎం హేమంత సోరెన్, గండేలో సీఎం భార్య కల్పనా సోరెన్ ముందంజలో ఉన్నారు. ఇక సరాయికెలాలో మాజీ సీఎం బీజేపీ నేత చంపై సోరెన్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇక ఎన్డీఏ కూటమి 29 స్థానాల్లో ఇతర్లు ఒక్క స్థానంలో ముందంజలో ఉన్నారు. ముంబైలో ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. न भूतो न भविष्य तो ऐसा ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो दो ढाई साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने सिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जा दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना है, ऐसा हमारे में सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी, पहले तो अंतिम अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सर, या लड़ाई से कैप्टन तुम्हें होता? सर, या लड़ाई से कैप्टन तुम्हें होता? आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए अभी मैं कहता हूँ, उनका ढाई साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया, इसलिए जो काम बोलता है और ढाई साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है, इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की, इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। लाडली बहन योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया? लाडली बहनों को कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज वोटिंग बढ़ा दी और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते, डेवलपमेंट होती है और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। मैम पीछे आखिरी सवाल, आगे की रणनीति कैसे रहेगी? कोई विकल्प?
चला जाए।